हेलो भाई स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, 11 क्लास का। तो आप लोग को बहुत दिन से इंतजार था बच्चों कि एग्जाम कब होगा और किस प्रकार से होगा, उसका डेट क्या होगा और उसका कब मॉडल सेट आने वाला है। तो बच्चों, आप लोग का इंतजार खत्म हो गया है, अब आप लोग के सामने है जैक बोर्ड का मॉडल सेट 1, जो कि एक ही सेट अभी आया है अकाउंटेंसी का। तो आज आपको इस वीडियो में उसका पूरा आंसर बताने जा रहे हैं बच्चों, और सबसे सटीक आंसर बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा वीडियो देखिएगा। और एक बात और बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आने वाले समय में 12 क्लास हो या और इम्पोर्टेंट वीडियो, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वो आप लोग को नोटिफिकेशन के जरिए या तो फिर ब्राउजर फीचर में आप लोग को जरूर दिखेगा। तो हम आप लोग के साथ पूरा 12 क्लास में पूरा लेवल बेस्ट तक बने हुए रहेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग का बहुत ही समय अनमोल है, अभी एग्जाम है आप लोग का नेक्स्ट मंथ, तो अभी समय आप लोग का ज़्यादा नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप लोग का 40 क्वेश्चन रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, 40, ठीक है, और सभी का एक मार्क्स रहेगा और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी कब पब्लिश हुआ था बच्चों, तो इसका आंसर है 1494। लेखांकन की भाषा क्या है, तो द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, ठीक है, उसका क्या है, मुद्रा, मुद्रा में जिसको मापा जा सकता है बच्चों, उसी का अकाउंटिंग में काम होता है। अकाउंट क्या है, तो याद रखिएगा आर्ट्स और साइंस दोनों है, ठीक है। विच ऑफ दिस नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशन, तो देखिए इसका बच्चों का गोइंग कंसर्न, ठीक है, बाकी सब हम लोग का क्या है, अकाउंटिंग एग्जम्पशन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक व्यवसायी द्वारा लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाया जाता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो जनरल क्या होता है बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही छोटा मोटा बिजनेसमैन अपनाता है। जर्नल में कितने कॉलम होते हैं, तो डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, तब आंसर होगा 5, ठीक है बच्चों। व्यवसायिक दुकान से स्वामी द्वारा लिए गए माल के लिए डेबिट क्या होता है, मतलब प्रोप्राइटर प्राइवेट यूज के लिए कुछ निकालता है तो क्या डेबिट होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, मतलब ड्रॉइंग डेबिट होता है। कैश क्या है बच्चों, तो एसेट्स है, इसलिए कौन अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, क्योंकि आप लोग को पता है नाम से रिलेटेड पर्सनल होता है, एसेट से रिलेटेड रियल होता है। एक्सपेंसेस और लॉस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों एक स्टेटमेंट है जो कि लिस्ट ऑफ बैलेंस है। 10 नंबर क्या लिखता है, ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस एक प्रकार का क्या है, स्टेटमेंट है, समझ गए, कोई अकाउंट नहीं होता है। इसके बाद क्या लिखता है कि डेबिट बैलेंस, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, तो याद रखिए एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिप्रिसिएशन क्या है, तो डिप्रिसिएशन एक प्रकार का क्या है बच्चों, प्रोविजन है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत, ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या लगता है, कॉन्स्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, आने वाला समय में भी आप लोग के लिए एक से एक वीडियो जो कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशनल रहेगा, थ्योरी रहेगा, पीडीएफ रहेगा, सब कुछ आएगा, सिर्फ चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके रखना है बच्चों, बस एक ही यही रिक्वेस्ट है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, 14 नंबर, यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड, ठीक है, अनलिमिटेड लाइफ का जो यूजफुल होता है, अनलिमिटेड होता है, आप लोग भी देखते ही है। कौन है हम लोग का डबल एंट्री सिस्टम का कौन इन्वेंशन किया था, तो याद रखिएगा लुकास पेसियोली, इसी को फादर बोला जाता है, किसका, अकाउंट का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न, ठीक है, बिजनेस क्या होता है, अनलिमिटेड समय तक चलेगा, अनिश्चित काल तक चलेगा, किस कंसर्न के अनुसार, गोइंग कंसर्न के अनुसार। बैंक अकाउंट क्या है बच्चों, तो बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। फिर क्या लिखता है, किसका, ये हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर, क्या लिखता है, नो एंट्री इज मेड फॉर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का जनरल एंट्री नहीं होता है, जब तलपट, इसको लटपट मत पढ़िएगा, तलपट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जब टोटल बराबर नहीं होता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम नॉर्मल प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व। बिल रिसीवेबल क्या है बच्चों, तो रियल अकाउंट है, ठीक है, बिल रिसीवेबल क्या है, रियल अकाउंट है, क्योंकि ये एसेट्स होता है। एक्सेप्टर, बिल को एक्सेप्ट कौन करता है, ड्रॉवी, ठीक है। उसके बाद बिल, बिल में क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो एक ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर आदेश दिया जाता है। बिल में कितना पार्टी होता है, तो 3 होता है बच्चों, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई।
नोटिंग चार्ज, ठीक है, पेड बाय होल्डर, चलिए बिल जिसके पास रहता है नोटिंग चार्ज तो वही पेमेंट करता है, लेकिन रिकवरी कहाँ से होता है बच्चों, तो ये नहीं हाउ, रिकवरी कहाँ से होता है, ड्रॉइज से, ठीक है, जो बिल को एक्सेप्ट करता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या होगा बच्चों, नॉमिनल अकाउंट होगा। इसके बाद क्या लिखता है कि सकल लाभ ज्ञात करें, अगर विक्रय पर लाभ की प्रतिशत कितना है 20%, और हम लोग का यहाँ कोस्ट दिया हुआ, क्या दिया बच्चों, कोस्ट दिया है, मतलब हम लोग का इसका क्या होगा पता है, फॉर्मूला 120,000 इंटू 20, ठीक है, इंटू 20/80, ठीक है, 20/80, 20 × 80, 4 × 4 = 12, 30,000 होगा बच्चों इसका आंसर, कितना होगा 30,000। क्रय किए गए माल पर ढुलाई के को दिखाया जाता है, कहाँ पर दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, जितना भी परचेज से रिलेटेड रहता बच्चों उसको कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजिशन जानने के लिए बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या है, तो अकाउंट है कि लेजर है कि स्टेटमेंट है, तो अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों है ये, ठीक है। प्रीपेड रेंट, ठीक है, प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में दिखाया जाता है बच्चों। उसके बाद क्यों जा रहे हो इतना तेज से, एक व्यवसाय में इनमें से किसे लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता, तो ड्राइंग को, क्योंकि ड्राइंग को कैपिटल से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 33 आउटस्टैंडिंग वेजेज अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है बच्चों तो एक ही जगह इसका काम होगा, वो कहाँ होगा, बैलेंस शीट में। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी शुड बी इन अकाउंटिंग रिपोर्ट, तो देखिए उपयुक्तता होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए, पूर्णता उपयोग से सब होना चाहिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या टेली क्या है, तो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा बच्चों, सिर्फ आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। हम भी चैप्टर बाय चैप्टर सेट बना के अपलोड करेंगे बच्चों आप लोग के लिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉई, स्टॉक कंट्रोल और मार्केटिंग। देखिए इसका आंसर तो मार्केटिंग रिसर्च और स्टॉक कंट्रोल दोनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्टॉक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या लिखता है, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सब एक्सपेंसेस भी है, वायरस भी आता है, स्पीड भी बहुत चलता है, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, तो 8। ऐसे तथ्य जिन्हें अंकित किया जाता है और जिनका एक निश्चित अर्थ होता है उसको डाटा बोला जाता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।